नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो है कोरोना वायरस की लाइव अपडेट देंगे, साथ ही देश और दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर कौन सी बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है उसकी भी सटीक जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से कौन सी बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है उनकी भी सटीक जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो कि भारत में फैली कोरोना महामारी बिल्कुल खत्म हो जाए तो इस वीडियो पर दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, घर जाने के लिए न मिले साधन तो या करें फोन, सरकार करेगी मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने के कारण बाहरी राज्यों से अपने राज्य पहुंचने की कोशिश में लगे मजदूर और दूसरे लोगों की मदद के लिए सरकार जो है एक खास हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जा रही है। यह हेल्पलाइन नंबर देश भर में काम करेगा, यानी कि पूरे देश के लिए एक हेल्पलाइन नंबर सरकार जो है जल्दी जारी करेगी। इस नंबर पर प्रवासी मजदूर अपनी समस्याएं और शिकायतों की जानकारी दे सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर जो है मुख्य श्रमायुक्त के तहत शुरू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप पूरे देश में कहीं पर भी फंसे हुए या फिर आपको कोई भी समस्या है तो सरकार ने जो है एक नंबर जारी कर दिया है, वो नंबर हम आपको बता देते हैं। उस नंबर के ऊपर आप जो है कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, साथ ही आप कहीं जाना चाहते हैं तो बता सकते हैं, सरकार जो है आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। जी हां दोस्तों, ये नंबर है 14445। जी हां दोस्तों, 14445 नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, जल्दी सरकार जो है आपकी मदद के लिए वहां पर पहुंच जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि पीएम किसान प्रवासी मजदूरों के खाते में भी आएंगे पीएम किसान स्कीम के 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो है अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि जिस प्रकार से सभी किसानों को जो है सरकार सालाना 6,000 रुपए की सहायता देती है, इसी प्रकार से सभी मजदूरों को साथ ही सभी गरीब लोगों को भी 6,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, सीधे पैसे उनके खाते में डाले जाएंगे। मोदी सरकार ने जो है बड़ा ऐलान कर दिया है, मजदूरों को जो है केवल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, सरकार पैसे उनके खाते में डाल देगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने घर पर बैठे बैठे ही तथा वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना होगा और pmkisan.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जितने भी पूरे देश में गरीब लोग हैं या फिर मजदूर लोग हैं, उन सभी को जो है 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, इसके लिए आप जो है अपने ई मित्र से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अब राजस्थान भी जाएंगी हरियाणा रोडवेज की बसें, दो रूट पर बसों को जाने की मिली है मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा से राजस्थान जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। राजस्थान सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को राजस्थान में आने की अनुमति दे दी है, ऐसे में दो रूट पर अब हरियाणा की रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। अब हिसार से लेकर अजमेर और गुड़गांव से जयपुर के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें चलाई जा रही हैं। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ही हरियाणा रोडवेज की बसें दिल्ली के अंदर भी जा रही हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा रोडवेज की बसें लगभग सभी राज्यों तक पहुंच रही हैं, जहां पर पहले चलाई जाती थी वहां पर फिर से शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य आपसी सहमति के ऊपर जो है सभी राज्यों के अंदर बसों का संचालन शुरू कर सकते हैं, पूरे देश के अंदर जल्दी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि सोशल मीडिया पर टिकटॉक बैन कराने की मुहिम ने पकड़ा है जोर, शुरू हुई है ऑनलाइन पिटीशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है इन दिनों टिकटॉक को बैन कराने की एक मुहिम छिड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, इन दिनों टिकटॉक के ऊपर जो है काफी बेकार वीडियो डाले जा रहे हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इसी को देखते हुए सभी आम लोग जो है टिकटॉक को बैन कराने के ऊपर जो है ऑनलाइन एक मुहिम चला रहे हैं। जी हां दोस्तों, वैसे आपकी क्या राय है कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? मोदी सरकार जो है इसके ऊपर एक बड़ा फैसला देने वाली है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि टिकटॉक को अभी बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं बैन करना चाहिए हमारे भारत में, क्योंकि दोस्तों टिकटॉक जो है काफी देशों में बैन है। टिकटॉक जो है चीन की कंपनी है, लेकिन चीन में जो है टिकटॉक फिलहाल बंद है, तो इसी प्रकार से हमारे भारत में बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि 1 रुपए किलो से भी कम के भाव में बिक रहे हैं प्याज। जी हां दोस्तों, पूरे देश के अंदर प्याज जो है काफी कम कीमत पर बिक रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ शहरों में तो जो है 69 पैसे प्रति किलो के हिसाब से जो है प्याज बेचे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, देश की कई मंडियों में पिछले 10 दिनों से 59 पैसे से लेकर 3
₹3.50 किलो तक के न्यूनतम रेट पर प्याज के उत्पादन को बेचा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्याज की रेट जो है पूरे भारत में लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा कम हो गई है, जिससे किसानों को भी काफी ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि दोस्तों किसानों का कहना है कि उन्हें तथा मंडी तक प्याज पहुंचाने के लिए कम से कम 8 से 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लागत आ रही है, जबकि दोस्तों प्याज जो है 59 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। 2 या फिर 3 रुपए से ऊपर पूरे देश में जो है प्याज कहीं पर भी इससे ऊपर नहीं बिक रहे, जिससे कि देश के किसानों की कमर टूट गई है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी वेबसाइट पर जो है 59 पैसे प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचे जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है कि किसानों की लागत मूल्य उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 8 से 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है किसानों को इसमें लागत आ रही है। तो आप भी अपनी राय दीजिए कि प्याज जो है 1 रुपए किलो पूरे भारत में बिकने चाहिए या फिर किसानों को उनकी लागत मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि आज से घर बैठे मिलेगी शराब स्विगी और जोमेटो ने इन शहरों में की है होम डिलीवरी की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, शराब के ठेके काफी दिन से बंद थे, उसके बाद सरकार ने जो है अब खोल दिए, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के अंदर शराब के ठेके जो है पूरी तरह से बंद थे। अब कई राज्य सरकारों ने जो है शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, उसके बाद शराब की दुकानों पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। इसी को देखते हुए स्विगी और जोमेटो जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की साइट है, इन दोनों ने ही शराब की होम डिलीवरी के लिए जो है ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप स्विगी या जोमेटो पर जाकर जो है शराब खरीद सकते हैं, आपको ये होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देश के कई हिस्सों में अभी ये शुरू हो चुकी है, जल्दी इस देश के सभी शहरों और सभी राज्यों में जो है सर्विस शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद आप घर बैठे ही स्विगी और जोमेटो से जो है आप होम डिलीवरी कर शराब मंगवा सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि गैस सिलेंडर के दामों में ₹200 की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, ऐसे में दोस्तों लोगों का कामकाज छूट गया है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने जो है गैस सिलेंडर के दामों में ₹200 की कमी कर दी है, जो कि आपको पहले सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी अब नहीं मिलेगी, सब्सिडी का पैसा आपसे पहले ही नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गैस सिलेंडर की जो मुख्य कीमत है, यानी कि जितने का गैस सिलेंडर भरता है 500, 550 या 600 का अलग अलग राज्यों में भरता है, उतने ही पैसे आपसे लिए जाएंगे, ना ही आपसे सब्सिडी के पैसे लिए जाएंगे और ना ही आपके खाते में आएंगे। सरकार ने जो है इस पर ₹200 तक की कमी कर दी है। वैसे दोस्तों, इस सब्सिडी वाले नियम को सरकार को हटा देना चाहिए फिर नहीं हटाना चाहिए, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि सभी राज्य सख्ती से कराएं लॉकडाउन का पालन, नियम तोड़ने पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई, गृह मंत्रालय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र ने राज्यों से पाबंदियों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं, कहा है कि उसे विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचनाएं मिली है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह कहते हुए उन्हें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी काम के लिए आप बाहर नहीं निकल सकते। साथ ही दोस्तों, गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों के अंदर जो है जो भी लोग बेवजह बाहर घूमते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही लॉकडाउन का जो है सख्ती से पालन कराना होगा। इसी के साथ ही बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में डिलीवरी के लिए 50,000 भर्तियां करेगी अमेजोन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेजोन इंडिया ने लॉकडाउन में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 भर्तियां करने का ऐलान कर दिया है। ये भर्तियां खासकर उन लोगों के लिए हो रही हैं जो कि भीड़ में जाने के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। यह भर्तियां अमेजोन इंडिया कर रहा है। जी हां दोस्तों, अमेजोन के अंदर जो है 50,000 भर्तियां की जा रही हैं, इसके लिए अमेजोन ने जो है पूरी विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। अगर दोस्तों आप भी लॉकडाउन के अंदर बेरोजगार बैठे हैं तो आप भी अमेजोन की ऑफिशियल साइट पर जाकर जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको यहाँ पर आराम से 10 से 12 हजार रुपए तक दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अमेजोन की डिलीवरी बॉय की तरह जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन पर रेलवे ने बदला है रुख, कहा राज्यों की अनुमति जरूरी नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कई राज्यों के श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं देने के बीच रेलवे का कहना है कि ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने के लिए अनुमति दे दी है। जी हां दोस्तों, देश के सभी राज्यों में जो अब ट्रेनें चलाई जाएंगी तथा राज्यों की इसमें अनुमति नहीं ली जाएगी। सभी मजदूरों को, जितने भी मजदूर जितने भी अन्य लोग फंसे हुए, सभी को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने जो है बड़ा कदम उठाया। अगर दोस्तों आप भी कहीं फंसे हुए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी जानकारी भी सरकार तक पहुंच सके और सरकार आपको वहां से निकालने के प्रयास कर सके। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य जानकारी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट मिलती
धीरे मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।